Video guys, and if you don't know me, then hi, I am Palak. I do post fashion, makeup, lifestyle hacks and almost everything on this channel. So make sure ki aap abhi subscribe kar de channel ko and also press the bell icon so that you will be notified whenever my new video will be up. Guys, this is today's video जहाँ पे मैं आपको इस मेकअप लुक का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ. I am so in love with this makeup look right here, guys. It's so good. It's so, you know, in these days, like lilac color I have used on my eyes and it's so beautiful. It's also very appropriate for summers also because I haven't used any kajal, any eyeliner, any bright color, so that it will, you know, jo ki zyada pop out hoke aaye, and that's I have not used. I didn't do any contouring, any bronzing, no, not at all, not highlighting at all. Maine koi bhi highlighting nahi ki hai aaj ke इस मेकअप लुक में. वेरी सिंपल मेकअप लुक. आई हैवंट इवन यूज फाउंडेशन टुडे, सो यू कैन सी आई अचीव दिस मेकअप राइट हियर विदाउट फाउंडेशन, विदाउट हाइलाइटर, विदाउट ब्रॉन्जिंग एंड विदाउट यू नो डूइंग माई आईब्रोज. सो और क्या चाहिए. सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आई विश कि आप घर पे रहें, सेफ रहें, अपना और अपने सगी संबंधियों का ध्यान रखें और वीडियो को एंड तक देखें. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर, जो कि स्मूथ तो करता है पर ड्यूईनेस नहीं देता है. एंड फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे NYBA की कंसीलर किट, जो कि बहुत अच्छी है. सबसे पहले मैं इसे अपने फेस पे कलर करेक्शन कर रही हूँ ऑरेंज शेड से. आज के सारे प्रोडक्ट्स अंडर 400 है, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाले हैं. ओके, एंड मेबलिन का प्राइमर आपको 400 पे मिल जाएगा, जस्ट यू हैव टू वेट. I bought it from Nykaa. तो जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन थी वहाँ वहाँ मैंने कलर करेक्ट कर लिया था. फिर मैंने अपने कलर करेक्ट को सेट कर लिया है लैक्मे के रोज़ लूज पाउडर से. इससे क्या होगा, इसके ऊपर जो भी मैं कंसीलर प्लेस करूँगी वो अच्छे से क्या होगा, कवरेज देगा और ऑरेंज करेक्टर के साथ मिक्स नहीं होगा. यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड सैंड सेबल. तो ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट कंसीलर शेड है, बट इट्स ओके. जब हम पूरा मेकअप कर लेंगे तो ये ब्लेंड इन हो जाएगा और जो मैं इसके साथ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने वाली हूँ वो एग्जैक्ट मेरी स्किन टोन से मैच का है. तो यू नो, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, डोंट हैव टू वरी. एंड कंसीलर पे आ जाते हैं. कंसीलर का मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी आपके लिए, क्योंकि दिस कंसीलर इज़ वेरी हाइप्ड यू नो ऑन इंटरनेट. सो मैं लाऊंगी. अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा सा मेरी स्किन टोन से यू नो लाइट है, ऑब्वियसली लाइट है, बट जब मेकअप पूरा हो जाएगा कंप्लीट तब ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है मेरे स्किन टोन से ही. सो क्योंकि मैं इसके साथ जो कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी वो बिल्कुल ही मेरे स्किन टोन से मैचिंग का है. वो है मेबलिन का फिट मी 12 आवर्स ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड वार्म न्यूड. एंड बहुत ही अच्छे से ये मेरे फेस स्किन को कॉम्प्लीमेंट करता है. यहाँ पे मैंने 20 समथिंग का मेकअप फिक्सर यूज़ किया था, जो कि कफ्स एंड लैशेज़ पे इजीली अवेलेबल है. अब यहाँ पे मैं एन के
आईशेडो पैलेट ले रही हूँ बर्थडे केक वाली, जो कि बहुत ही अच्छी आईशेडो पैलेट है। और मैं इससे एक लाइलैक कलर को पिक करके, जो कि एक शिमरी लाइलैक कलर है, उसको पिक करके अपनी पूरी आईलेट पे प्लेस कर रही हूँ विद द फ्लैट ब्रश। एज यू कैन सी, मैंने जूम इन कर लिया है ताकि आप अच्छे से मेरा आई मेकअप देख सकें। बहुत ही एप्रोप्रिएट है समर्स के लिए एंड बहुत ही सुंदर कलर है। ऑल्सो आप अब देख सकते हैं कि जो मेरा कंसीलर था वो बिल्कुल सेट हो चुका है मेरे फेस के साथ, बिल्कुल मेल्ट हो चुका है मेरे फेस पे। एंड अब वो जो लाइट नहीं था, वो जो लाइट था वो अब नहीं लग रहा है। देन मैंने उसमें से एक हॉट पिंक कलर लिया है एंड उसको मैंने आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड किया है, उसको क्रीज पे लेके गई हूँ और उसको अच्छे से मर्ज किया है लाइलैक के साथ, ताकि एक ट्रांजिशन क्रिएट हो सके। जब वो ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगी तो जो आई शेडो है वो पूरा कंप्लीट लगेगा। थोड़ा सा फिर से मैंने लाइलैक कलर लिया है ताकि उसको इंटेंसिफाई मैं कर सकूं, और आउटर वी पे भी अच्छे से क्या करना है, हॉट पिंक कलर को प्लेस करना है और मर्ज करना है। देन यहाँ पे मैं लोअर लैश लाइन पे वही हॉट पिंक कलर पूरी लगा लूँगी, मतलब अपनी पूरी लोअर लैश लाइन पे, दोनों ही आइज़ पे, ठीक है। इससे मेरी आइज़ को बहुत एक सुंदर लुक मिलेगा। यहाँ पे मैं ऐसे फायर कलर्स का हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इसे हम कह सकते हैं फ्लावर हाइलाइटर और फ्लावर ब्लशर पैलेट। इसमें से मैंने एक हाइलाइटर शेड को पिक करके अपने ब्राउ बोन पे हाइलाइट कर रही हूँ, जस्ट फॉर थोड़ा सा अपने आईज़ को कंप्लीट लुक देने के लिए। आप देख सकते हैं कि इतना ये शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इतना शो होगा ही नहीं, क्योंकि आई हैव अप्लाइड जस्ट अ लिटिल बिट। नाउ मैं पूरे ही पैलेट को एक ब्लश ब्रश से लेकर मिक्स करके अपने चीक्स एरिया पे लगा रही हूँ, एज अ ब्लश लगा रही हूँ, और ये बहुत प्यारी सी शीन दे रहा है फेस पे, जिसकी वजह से मुझे हाइलाइटर की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो इस मेकअप में ना हमने फाउंडेशन और ना हमने हाइलाइटर यूज़ किया है। थोड़ा सा जो मेरा ब्लश है वो डाउनवर्ड की तरफ था, तो उसको शार्प करने के लिए मैंने लैक्मे रोज लूज पाउडर से कट दिया था। फिर मैंने कर्लर, आईलैश कर्लर यूज़ किया है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल है, नायका से है, ब्यूटीलेस ब्रांड से है। देन यहाँ पर मैं अपना फेवरेट मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, डेट इज़ लैश सेंसेशनल मस्कारा बाय मेबलिन एंड इट्स द वंडरफुल मस्कारा। बट ये थोड़ा सा ड्राई आउट हो गया था, इसलिए मेरी लैशेस को क्रम्पल कर रहा था, बट डेट्स नॉट अ बिग डील राइट। बट इट्स अमेजिंग मस्कारा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय इट अगेन। सो आप देख सकते हैं डेट माई मेकअप इज़ लुकिंग गुड। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं अपने मस्कारा को अच्छे से कोट कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैं लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ NYBAE की, इन द शेड लेडीज नाइट, एंड उससे मैं अपने लिप्स पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे। एंड आप देख सकते हैं एक मॉविश न्यूड कलर आ चुका है। एंड या गाइज, माई मेकअप लुक इज कम्प्लीट। आज की वीडियो बहुत ही सिंपल थी, नो फॉल्सेस, नो आईब्रोज, नथिंग, मैंने कुछ भी इतना नहीं किया, सब इतना इजी किया कि आपको, आप में से कोई भी इस मेकअप लुक को कर सकता है रिक्रिएट। सो इफ यू रिक्रिएट दिस मेकअप लुक देन प्लीज टैग मी ऑन माय इंस्टाग्राम, माय हैंडल इज राइट हियर। एंड ऑल्सो दिस जोकर इज फ्रॉम माई ओन इंस्टाग्राम स्टोर, दैट इज एवरीथिंग स्टोर 2021 right here as well. And guys, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. If you enjoyed this video, then make sure to give this video a thumbs up, and also please subscribe to my channel so that you will be the part of my growing family of YouTube. And that's it, I love you all, and I'll meet you in my next video. Bye bye.